जिसको नाम दिया गया एल्केन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा सबसे पहला चैप्टर अगर मैं कहूं, जो हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरे बच्चा पार्टी, अभी तक के पहले दो चैप्टर जो हमने किए, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, और मेरे बच्चा पार्टी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, अब उन दोनों को मिला के जो भी कहानी बनेगी वो हम स्टडी करेंगे एल्केन एंड साइक्लो एल्केन की फॉर्म में। तो यहां पर मेरे बच्चा पार्टी में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता जाऊंगा, क्या कुछ हमें यहां पर स्टडी करना है। तो मेरे बच्चा पार्टी बैच अरुण सोनी में स्वागत करता हूं आपका, आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और वी आर अगेन वेरी हैप्पी टू सी यू इन अवर संकल्प बैच फॉर बीएससी फर्स्ट सेम। और मेरे बच्चा पार्टी, हमारे पहले दो चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कवर हो चुके हैं, और मेरे साथ संकल्प ले लीजिए, हाँ सर, हम ये चैप्टर भी बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो ये मेरे बच्चा पार्टी हमारा चैप्टर 3 है, एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। इसको भी बहुत जल्दी हम मैक्सिमम 11 से 12 लेक्चर्स के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो अरे मेरे बच्चा पार्टी, स्टार्ट करते हैं हमारा एल्केन साइक्लो एल्केन। सिर्फ इतना ही हमें पढ़ना है, पहले लेक्चर में हमेशा बेसिक ही कराता हूँ, इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते जाएंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एक बार नोटबुक निकाल लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए एल्केन एंड साइक्लो एल्केन की। तो मेरे बच्चा पार्टी, इससे पहले जो हमारे दो चैप्टर हुए, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग और मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, उन दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या मेरे बच्चा पार्टी आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको बीएससी फर्स्ट सेम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, बीएससी फर्स्ट सेम मैकेनिज्म एंड और मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। या मेरे बच्चा आप यूट्यूब पर सीधा भी सर्च करोगे तो भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो आइए मेरे बच्चा पार्टी, स्टार्ट करते हैं एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। जितना आप प्लस वन पर पढ़कर आए थे, प्लस वन में था आपके एल्केन, आई थिंक अवर चैप्टर नंबर 13 होता है एनसीईआरटी में हमारा, तो वहां से बच्चा हमने जो स्टडी किया था ना, हम उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा और एडवांस लेवल पर जाएंगे। अब यहाँ पर छोटे छोटे की पॉइंट है जो आपने पढ़ रखे हैं, देखिए एल्केन एंड साइक्लो एल्केन हमारा चैप्टर है, इसके अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, और कैसे ये केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगे, नेमिंग रिएक्शन हमारी होंगी, उनका मैकेनिज्म भी हमें स्टडी करना है। तो आइए मेरे बच्चा पार्टी, बात करते हैं सबसे पहले एल्केन की। एल्केन मेरे बच्चा पार्टी हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, मेरा पहला पॉइंट है सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड का मतलब समझते ही आना चाहिए दिमाग में कि यहां पर कार्बन टू कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। आगे हम एल्कीन और एल्काइन करेंगे, जो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे, अब की बार हमें नहीं करना है, तो वहां पर हम बोलेंगे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे कार्बन टू कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो जब भी मेरे बच्चा पार्टी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की अगर बात करेंगे, तो वो वाले कंपाउंड हमारे सैचुरेटेड होंगे। ये छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड आर ऑलवेज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसके अलावा मेरे बच्चा पार्टी को पैराफिन्स भी बोलते हैं, मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। इसके अलावा हम इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है कि ये अनरिएक्टिव होते हैं, सबसे कम रिएक्शन शो करते हैं, ये हमारे कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, मेरे बच्चा पार्टी याद रखना, ठीक है। एल्केन हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको पैराफिन बोला जाता है। एल्केन हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको पैराफिन भी बोला जाता है। इसके अलावा मेरे बच्चा पार्टी, अगर मैं बात करूंगा एल्केन के जनरल फार्मूले का, तो एल्केन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। क्या होगा मेरे बच्चा पार्टी? CnH2n+2। क्या होगा मेरे बच्चा पार्टी जनरल फार्मूला एल्केन का? CnH2n+2। हियर n डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने कार्बन आप लेके चलेंगे उतना ही नंबर दोनों जगह पुट कर देना, आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी मिल जाएगा। एन इज बेसिकली अपन इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी एल्केन के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। एल्केन हमारे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इनको पैराफिन्स भी बोला जाता है। पैराफिन्स इसलिए बोला जाता है
क्योंकि हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और दूसरा लड़का पार्टी इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2, CnH2n+2, तो ठीक है लड़का पार्टी। अब हम एल्कीन को डिवाइड करते हैं, एक तो होते हैं हमारे ओपन चैन एल्कीन, जैसे ये हमारे बच्चा पार्ट, ये हमारे ओपन चैन एल्कीन है और एल्कीन का ही पार्ट होता है साइक्लो एल्कीन। एल्कीन एक साइक्लो एल्कीन टॉपिक है, लेकिन साइक्लो एल्कीन क्या है, इसका पार्ट है एल्कीन। हमारे दो टाइप के हमारे बच्चा पार्ट भी, एक होते हैं हमारे ओपन चैन और दूसरे होते हैं हमारे साइक्लो एल्कीन। तो ये रहे मेरे दोनों ओपन चैन एल्कीन, लिखते तो ये हमारे ओपन चैन एल्कीन है, ठीक है, याद रख लेना। अब ओपन चैन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और साइक्लो एल्कीन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ओपन में भी हमारे दो टाइप के एल्कीन होते हैं मेरे बच्चा पार्टी, पहला हमारा स्ट्रेट चैन एल्कीन है, दूसरा हमारा ब्रांच्ड चैन एल्कीन है। एल्कीन में जो हमारा ओपन चैन एल्कीन होता है वो हमारा दो टाइप का होता है, पहला हमारा स्ट्रेट चैन एल्कीन है एंड द सेकंड वन इज अवर ब्रांच्ड चैन एल्कीन। अब स्ट्रेट चैन कैसे होगा, इसमें कोई ब्रांचिंग ना हो, मतलब सीधा स्ट्रक्चर है, जैसे मेरे बच्चा पार्टी CH4 या CH3 CH3 या CH3 CH2 CH3। अगर मैं ये चीज हम यहाँ पर अप्लाई करूँ, देखिए कार्बन कार्बन पर मैं 1-2 करता हूँ, देखिए कार्बन कार्बन पर मैंने 1-2 क्या होता है CnH2n+2। अगर मैं n की वैल्यू 1-2 करूँगा तो C1H2 × 1+2 यह बच्चा कार्बन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 × 1 2+2 4। तो यह आ जाएगा बच्चा हमारा फॉर्मूला, n की वैल्यू क्या रखी 1 रखी, तो कार्बन के नंबर की इक्वल था, n की वैल्यू आप 2 रखिए, C2H2 n की बजाय बच्चा 2 आ जाएगा प्लस 2, C2 है और हाइड्रोजन देखिए कितने हो गए, 2 4 2 4 2 6, हाइड्रोजन 6 हो गए। तो C2H6 को कैसे लिखा गया ऑप्शन करके, CH3 CH3 लिखा गया, इसकी भी बात कर लेते हैं, n की वैल्यू 3 पुट कीजिए, C3H2 × 3+2, C3H8 यही तो है, CH3 CH2 CH3 तीन कार्बन हो गए, 1 2 3, हाइड्रोजन 8 है, 3 × 5 = 3 = 8। तो ये है मेरे पार्टी हमारी स्ट्रेट चेन, जहां पर कोई ब्रांचिंग नहीं होती, एक सिंगल चेन में ही हमें सारे के सारे फॉर्मूले लिखने होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हमारे स्ट्रेट चेन एल्केन। अब होती है मेरे बच्चा पार्टी हमारी ब्रांच चेन एल्केन। ब्रांच में होगा क्या, जैसे बताया सीधी लाइन जा रही थी, क्या है यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3, हमने यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई अदर एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा दिया। अब इसको नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, अच्छा नेमिंग ना इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वहां पे कंप्लीट नेमिंग बिल्कुल प्यार से डिस्कस करेंगे। तो नंबर 2 पे मेरे बच्चा पार्टी मिथाइल ग्रुप है, 2-मिथाइल क्योंकि एक ही कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, तो यही इसका इंपैक्ट नहीं हो जाएगा, 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरीके से बच्चा हमारी ओपन चैन एल्केन होती है और ब्रांच चैन एल्केन होती है। तो ये था हमने बच्चा पार्टी जो हमने डिस्कशन किया एल्केन के बारे में, अभी जो नेमिंग और नोमेनक्लेचर की बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बड़े ही प्यार से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी साइक्लो एल्केन की। साइक्लो एल्केन हमारे कार्बो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं बच्चा पार्टी, कौन से कंपाउंड होते हैं, कार्बो साइक्लिक। तो वर्ड ही साइक्लो आ गया, तो साइकिल बनेगा, तो ये जो दो एंड है, जैसे मेरे बच्चा पार्टी में एंड की बात करूंगा, तो ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे तो हमारा क्या होगा, कोई साइक्लिक कंपाउंड होगा, यानी बच्चा ऐसे होगा जैसे कम से कम 3 होने चाहिए यहाँ पर कार्बन, तो ऐसे मेरे बच्चा पार्टी ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक होने चाहिए, वो होगा हमारे कार्बो साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लो एल्केन का एक नाम और आया कार्बो साइक्लिक कंपाउंड, ये एल्केन का ही टाइप है साइक्लो एल्केन, नाम आया कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। अब कम से कम 3 कार्बन होंगे, देखिए जैसे ट्राइंगल बना दिया, एक्चुअल में है तो ये ट्राइंगल, लेकिन केमिस्ट्री में और खासकर ऑर्गेनिक में ये ट्राइंगल नहीं होगा। अब लास्ट लेक्चर पर मत चले जाना कि सर आपने थोड़े लास्ट में दो वीडियो में बताया था कि ट्राइंगल तो थर्मल रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन वो वहां पर एरो के ऊपर होगा, ये यहाँ पर विदाउट एरो है, ये भी चीज दिमाग में रखने की कोई कंडीशन नहीं दी गई है। यहाँ पर मेटा पार्टी कितने कार्बन है, 3 है। अब बॉन्डिंग बना के इनके कार्बन के 4 बॉन्ड CH2 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 ऐसे ही लिखा जाएगा, इसका क्या नाम होगा हमारे दोनों का,
साइक्लोप्रोपेन नाम होगा, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा साइक्लिक है तो ये प्रोपोइन ही चीज कार्बन का प्रोपेन, लेकिन वर्ड साइक्लो लगेगा, साइक्लो इसलिए लगेगा क्योंकि हमारे साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो एल्केन। आगे बताए स्क्वेयर आपको जितना रेक्टेंगुलर बोल लीजिए स्क्वेयर बोल लीजिए, ये है बच्चा मेरे पास साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन इसका नाम होगा। इसी तरह बता साइक्लो पेंटेन हो सकता है, साइक्लो पेंटेन हमारा ऐसा हो जाएगा, ये लीजिए कोई डबल बॉन्ड नहीं लगाने हैं, अभी CH2 आ जाएगा हर कॉर्नर पे, पहला कॉर्नर दूसरा कॉर्नर तीसरा कॉर्नर फोर्थ एंड फिफ्थ, साइक्लो पेंटेन ठीक है। ये हमारा साइक्लो हेक्टेन हो जाएगा जिसे बहुत सारे बच्चे बेंजीन बना लेते हैं, ये बेंजीन नहीं होता, बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, तो जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमारा होता है साइक्लो हेक्सेन, याद रखना इस स्ट्रक्चर को ठीक है, बहुत सारी गलती करते हो साइक्लो हेक्सेन। तो ये है मेरे बच्चा पार्टी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करने की हमने कोशिश की लेकिन इन डेप्थ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे ठीक है। अब आता है थोड़ा बहुत पूछते हैं सोर्स ऑफ एल्केन क्या होगा, एल्केन हमें कहां कहां से मिल सकता है ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो अगर मैं एल्केन के सोर्स की बात करूंगा तो एल्केन हमें नेचुरल गैस से मिल सकती है, एल्केन हमें नेचुरल गैस से मिल सकती है, एल्केन हमें पेट्रोलियम से मिल सकती है, एल्केन हमें प्लांट वैक्स से मिल सकती है। प्लांट वैक्स क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा प्लांट के ऊपर जब कहीं पर इंजरी हो जाती है तो थोड़ा सा ऑयली सा मेटेरियल वहां से बाहर आ जाता है जो कुछ दिन के बाद हार्ड हो जाता है, वो होता है हमारा प्लांट वैक्स, वहां से भी हमें एल्केन मिलती है। अब याद रखना आपको एक पाइन, तो जी मेरे बच्चा पार्टी एक बार पाइन ट्री की बात कर लेते हैं, पाइन ट्री से हमें हेप्टेन मिलता है ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है पाइन ट्री से हेप्टेन मिलता है। अब हेप्टेन का फार्मूला क्या होता है ना, तो हेप्टेन में कार्बन का नंबर होगा मेरे बच्चा पार्टी 7, तो पुट करके देखिए इन 7 को, फार्मूला हमारा CaH2n+2 होगा एल्केन को निकालने का ठीक है, ये साइक्लो एल्केन नहीं है, साइक्लो होता तो साइक्लो हेप्टेन लग जाता। तो मेरे बच्चा पार्टी यहां पर C7H2 × 7+2 C7H14+2 हो जाएगा, फार्मूला हमारा आएगा C7H16 मेरे बच्चा पार्टी ठीक है। ये है हमारा पाइन ट्री का हेप्टेन का फार्मूला। तो मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर हमारा पहला लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कॉमन नेम की और आईयूपीएसी नेम की, तब तक के लिए मेरे बच्चा पार्टी अच्छे से अपने नेक्स्ट चैप्टर की नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और पहले जो वाले लेक्चर जरूर देख लेना क्योंकि वो GOC जो जिसे आप बोलते हो कंफ्यूज करके रखते हैं टीचर ये GOC है क्या, वो एक्चुअली जो हमने पहले दो चैप्टर किए ना उनका ही नाम GOC रख रखा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर एल्केन खत्म करने के जल्दी से जल्दी 12 से 13 लेक्चर मैक्सिमम, मैं 10 में भी खत्म करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। तो मैं लास्ट में आपको इसलिए करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम में आपको दिमाग में रहेगा, अच्छे मार्क आप लेकर आओगे ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तब तक के लिए बच्चा पार्टी गुड बाय, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्यारा सा लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट हाँ सर हमें समझ में आया और अपने दोस्तों तक कर दीजिए शेयर मेरे बच्चा पार्टी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय मेरे बच्चा पार्टी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए